बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना सदस्य समेत स्कूली बच्चों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बाल अधिकारों से जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों के साथ भारत सरकार ने NCPCR के सहयोग से कोचिंग संस्थानों के लिए भी गाइडलाइंस का प्रावधान किया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। और ध्येय एक ही है कि बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता आए, चर्चा हो। जब चर्चा होगी तो बच्चे भी, अभिभावक भी और टीचर्स भी और जितने भी स्कूल हैं जहाँ जहाँ बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पर बाल अधिकारों का अगर किसी भी रूप में हनन हो रहा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड ने बहुत विशेष ध्यान दिया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे, क्योंकि अभी उनके लिए ना कोई बहुत मापदंड है ना वो किसी की निगरानी में है। और वहाँ पर भी हमने देखा है कि मानसिक और लिविंग स्टैंडर्ड्स का अगर देखा जाए तो एक अलग तरह का उत्पीड़न हो रहा है। बच्चे बहुत कम जगह में, ना उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, ना उनके खान पान पर कोई गाइडलाइंस हैं। तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भी कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इन सब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके भारत सरकार ने